विराट भाई के साथ आपका काफी क्लोज रिश्ता रहा है। बिल्कुल सर, क्योंकि जब 2019 और 18 में मेरा उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ था, तब फिर भी मुझे विराट भाई ने आगे बोला था, देख ना इतनी अच्छी एबिलिटी है, तू कुछ भी कर सकता है, तो बस तू अपने आप को फोकस कर, अपने आप को वो नको सच में नहीं कर सकते, तू कर सकता है, तू ये कॉन्फिडेंट रख। तो वही साल 2019 के बाद मैं सोचा था कि मुझे रिलीज कर देंगे, फिर भी ने विराट भाई ने और आरसीबी मैनेजमेंट ने जो मुझे बैक किया, आज वो ही है सर। उन्होंने मुझे जो कॉन्फिडेंट देते थे हमेशा, आज जाके जो भी मेरा करियर है उनके बदौलत। आपका एक वीडियो देख रहा था मैं, उसमें आप बोल रहे थे कि जब आप पहली बार उनसे मिले बस ऐसी जात देखते रहे जैसे कोई कहा गया है। बिल्कुल सर, जब 2017 में जब इंडिया के लिए मुझे कॉल आया था, मेरे सामने ही बैठे थे, मतलब 15 से 20 मिनट बस मैं उनको ही देखते रहा, बस ये क्या हो गया, ये सपना तो नहीं है मेरे लिए, बस उनको ही देखता रहा। आपके घर पे आए सर वो? सर मैं जैसा हम लोग कहाँ से इंदौर से आए थे, इंदौर से डायरेक्ट हैदराबाद, फिर नेक्स्ट डे सनराइजर से मैच था, तो भैया बोले, मैं भैया को बोला था, टीम डिनर थी इंदौर में, तो भैया मैं ऐसा घर पे ऐसा डिनर रख रहा हूँ, आप आओगे क्या? बोले तो हाँ मियाँ क्यों नहीं, बिल्कुल आओगा, बोले तो ठीक है, बोल के फिर टीम डिनर रखा। जैसे हम लोग लैंड हुए, भैया बोले मियाँ मेरी बैक थोड़ी स्टिफ है, मैं नहीं आऊँगा, मैं घर पे सबको सलाम बोल देना, थोड़ा अपसेट लगा, ठीक है भैया बोल के तो मैं बोले। फिर उसके बाद जैसा घर पे वो आते कि सीधा उनको जाके हक करा, तो वो अलग ही था, वो भी एक बिरयानी बनी थी बिरयानी बनी थी उस दिन घर पे। हाँ सर, बिरयानी थी, नारी थी और कवाबा थे और हलीम थी। लेकिन विराट भाई तो चुन चुन के खाते ना। हाँ सर, उन्होंने ज्यादा खाए भी नहीं वो टाइम पे, बस उन्होंने आए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फर्क बहुत है स्टाइल में रहाणे और कोहली में, एज पीपल एज कैप्टन, अलग है अंदाज, अलग स्टाइल है दोनों की। बिल्कुल सर, जैसे विराट भाई है एग्रेशन वाले और जैसे अज्जू भाई है एकदम कीप काम, मतलब सुकून से। विराट भाई के साथ खेलने भी बहुत ही मजा आता, क्योंकि वो एग्रेशन वाले बॉलर से, जितना बॉलर से जो विकेट लेके एग्रेशन नहीं करते उतना विराट भाई करते, तो बहुत ही अच्छा लगता है